नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। आज बात करते हैं शहर की एक ऐसी विद्यालय की जो 5 साल पहले बरसात में उसके कई कमरे की छतें गिर गई, कई कमरों में पानी चूने लगा, छत की जो छीने थी वो टूटने के कगार पर पहुंच गई। इस संबंध में स्कूल के अध्यापकों द्वारा कई बार जिला प्रशासन को, नगर परिषद को, शिक्षा विभाग को न केवल पत्राचार किया बल्कि उन्हें आके निरीक्षण भी करवाया, मगर अब तक उसकी हालत नहीं सुधरी। आज स्कूल की हालत ये है कि स्कूल में कुल 10 कमरे थे जिसमें आज की स्थिति में 3 कमरे ऐसे हैं जिसमें एक में कार्यालय चलता है, एक में पोषाहार बनता है और एक कमरा ऐसा है जिसमें भले बच्चों को पोषाहार बैठ के खिलावे या एक क्लास लगाई जा सकती है। स्कूल में 230 छात्र छात्राएं हैं। आज उनकी मजबूरी बन गई है कि वो बरामदे में बैठ के या किसी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करवाएं। स्कूल में 4 शिक्षक हैं जिनमें से 3 शिक्षक और 1 शारीरिक शिक्षक हैं। वे उन्हें पेड़ के नीचे या बरामदे में बैठ कर पढ़ाने को मजबूर है। इस संबंध में प्रशासन से, सरकारी अधिकारियों से डरते हुए कोई कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं। अध्यापिकाओं ने हमें बताया कि हमने कई बार पत्राचार कर दिया, यहाँ तक कि विधायक, जिला कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी, नगर परिषद के अध्यक्ष, एक बार तो 2019 में तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष कविता कैलाश खत्री ने एक शौचालय का और रेलिंग का उद्घाटन भी किया, उसकी भी नेम प्लेट वहाँ लगी हुई है। उसके बावजूद इन कमरों की न तो कभी सुध ली गई, न विद्यालय को, जर्जर अवस्था में विद्यालय है, उस विद्यालय को किसी ने मरम्मत करवाने या इन बच्चों को खतरे से बचाने का प्रयास नहीं किया। ये कभी भी बड़ा हादसा हो जाए ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में कब बिल्डिंग भरभराकर गिर जाए या नुकसान हो, ऐसी स्थिति में अगर स्कूल चल रही हो तो भारी नुकसान और क्षति होने की संभावना है। जिला प्रशासन शीघ्र ही अगर इस पर ध्यान देगा जब ही इस स्कूल को चला पाएंगे। अगर बात करें जैसलमेर जिले की, 30,000 वर्ग किलोमीटर फैले इस जिले में शिक्षा पहले से ही पिछड़ी हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बावजूद शहर की इस विद्यालय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये एक बड़ा शोचनीय विषय है। अगर इस स्कूल की बात करें तो ये जिला कलेक्टर कार्यालय से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, नगर परिषद से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद अगर इस विद्यालय की प्रशासन सुध नहीं लेता है, इस पर ध्यान नहीं देता है तो बड़ा शोचनीय विषय है। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।